साइंस का सिलेबस देखने वाले हैं, मतलब NTA इसको कंडक्ट कराती है, ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR की तरफ से एग्जाम होता है फिजिकल साइंस का, जिसमें आपको स्कॉलरशिप्स मिलते हैं 13,000 रुपये पर मंथ अगर JRF सीट पे, और नॉन JRF सीट पे 5,000 रुपये पर मंथ मिलता है। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं फिजिकल साइंस में, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, एग्रो मेट्रोलॉजी, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, सॉइल कंजर्वेशन एंड वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर फिजिक्स, एग्रीकल्चरल केमिकल्स, इन्वायरमेंटल साइंस। मतलब आप अगर ये फिजिकल साइंस का एग्ज़ाम देते हैं, फिजिकल साइंस का एग्ज़ाम देते हैं, तो आप इन पांच सब्जेक्ट्स के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं। इसका मतलब है आप ये पांच सब्जेक्ट्स के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, और आपका जब ये क्वालिफाई हो जाएगा तो आप इन पाँचों में से किसी एक सब्जेक्ट से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपका रैंक अच्छा हुआ तब तो आपके मतलब आपके हिसाब से आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका रैंक अच्छा नहीं होगा तो आपके रैंक के हिसाब से आपको सब्जेक्ट मिलेगा। तो इसलिए अच्छे से पढ़िए, अच्छा रैंक लाइए, जिससे कि आपको आपका फेवरेट सब्जेक्ट मिल सके। तो चलिए सिलेबस देखते हैं, इसमें 4-5 यूनिट्स में ये सिलेबस बटा हुआ है। तो यूनिट 1 में क्या क्या है, जैसे इसमें जो भी यूनिट्स लिखे हैं उससे आपका एक एक क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए। तो यूनिट 1 में है इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल परस्पेक्टिव, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वाटर मैनेजमेंट, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ राइस, व्हीट, सोरगम, मेज, चिकपी, पीजन पी, पोटैटो, सुगर केन, ग्राउंड नट, मेजर वेजिटेबल्स, क्रॉप्स, रोल ऑफ इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, देयर डिफिशियंसी सिम्टम, मैनेजमेंट ऑप्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट सेल्स, सेल डिवीजन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी रिलेटिंग टू क्रॉप प्रोडक्शन, बायोकेमिकल्स कंपाउंड्स विच इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम्स, फैट, लिक्विड, विटामिन्स एंड देयर फंक्शन, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स रिलेटिंग टू रूरल अपलिफ्टमेंट एंड लिवलीहुड सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ एग्रीकल्चरल एजुकेशन रिसर्च एंड एक्सटेंशन, फ्यूचर स्ट्रेटजीज फॉर ग्रेडेशन। ये है फर्स्ट यूनिट में। सेकेंड यूनिट देखते हैं। फर्स्ट यूनिट में एग्रोनॉमी और मोस्टली जनरल एग्रीकल्चर ये सब पूरा था। अब यूनिट सेकेंड में देखते हैं, ये सॉइल साइंस इसमें दिख रहा है, वॉल्यूमेट्रिक एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स मेट्रिक मेथड, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस इंक्लूडिंग स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, इसमें क्या क्या आएगा, एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रोग्राफी, फिर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, एलिमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, एलिमेंट एंड कंपाउंड आयन इफेक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, बफर सॉल्यूशन, इंडिकेट्स इक्विवेलेंट वेट एंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन इंक्लूडिंग हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिड्स एंड इस्टर्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, पेस्टिसाइड्स, टीयर क्लासिफिकेशन एंड यूजेस, बायो पेस्टिसाइड्स एंड बॉटनिकल पेस्टिसाइड्स। ये था यूनिट 2 में। अब यूनिट 3 देखते हैं। सॉयल एज ए मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ, कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, कंपोनेंट्स ऑफ सॉयल, दियर इंपॉर्टेंस, सॉयल प्रोफाइल, फिजिकल मिनरोलॉजिकल एंड केमिकल नेचर, मैकेनिकल एनालिसिस, स्टोक्स लॉ एजम्पशंस, मतलब स्टोक्स लॉ के एजम्पशंस और लिमिटेशन एप्लीकेशन, सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज, डेंसिटी, पोरोसिटी, टेक्सचर, सॉल्ट स्ट्रक्चर एंड देयर ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस। आपका मेन पर्पज़ होगा ऑब्जेक्टिव के लिए। तो आप जो भी इसमें जैसे डाटा डाटा होता है कि जैसे सॉल्ट स्ट्रक्चर में कौन सा बेटर है, क्रम भी बेटर है, और जो सॉल्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका साइज कितना होता है, ये सब आपको डाटा याद करना है। रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज इन सॉयल, कैलकुलेशन ऑफ पोरोसिटी, बल्क डेंसिटी, सॉयल एरेशन, कॉजेज ऑफ पुअर एरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एरेशन। तो जैसे बल्क डेंसिटी और पोरोसिटी ये सबसे रिलेटेड जो फार्मूला है वो भी याद रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। कॉजेज ऑफ पुअर एरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एरेशन, इंपॉर्टेंस फॉर प्लांट ग्रोथ, सॉयल टेम्परेचर, सोर्सेज एंड लॉस ऑफ हीट, सॉयल हीट, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉयल टेम्परेचर, इट्स इंपॉर्टेंट इन प्लांट ग्रोथ, सॉयल वाटर, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। तो सॉयल वाटर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर का मतलब यह है कि पूछ देगा कि वाटर में जो एंगल वी शेप एंगल बनता है वो कितना, कितने का मतलब एंगल कितना होता है, तो होता है 104.5 डिग्री। इस वाटर में ये जो एंगल होता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन इसके बीच का एंगल 104.5 डिग्री होता है, ये स्ट्रक्चर ऑफ वाटर में। सॉयल वाटर एनर्जी रिलेशनशिप, क्लासिफिकेशंस, सरफेस टेंशन एंड मूवमेंट इन सॉयल, सॉयल कोलाइड्स, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट क्ले मिनरल्स, सोर्स ऑफ निगेटिव चार्जेस, प्रॉपर्टीज, कोलिनाइट, इलाइट,
मोंटमोरिलो नाइट, वर्मिकुलाइट क्ले मिनरल्स, मिली इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी, बफरिंग ऑफ सॉयल्स, प्रॉब्लमेटिक सॉयल्स जैसे एसिड सॉयल, सलाइन सॉयल, सोडिक एंड एसिड सल्फेट सॉयल, दियर कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर्मेशन, प्रॉब्लम्स एंड मैनेजमेंट, इरीगेशन वाटर क्वालिटी एंड इट्स इवेल्युएशन, वाटर लॉक सॉयल, बेसिक फीचर्स, डिस्टिंक्शन विथ अपलैंड सॉयल। तो एसिड सल्फेट सॉयल्स को किसी दूसरे नाम से भी जाना जाता है, अगर आप जानते हैं तो उसे कमेंट कीजिए। देखते हैं फिर यूनिट फोर में आते हैं। तो इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी, फंक्शन फॉर प्लांट ग्रोथ, मैकेनिज्म फॉर मूवमेंट एंड अपटेक ऑफ आयरन इन सॉयल एंड प्लांट, फॉर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट इन सॉयल, डिफिशेंसी सिम्टम ऑन प्लांट, लग्जरी कंजम्पशन, न्यूट्रिएंट इंट्रैक्शन, केमिकल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सॉयल फर्टिलिटी इवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट फॉर प्लांट ग्रोथ, सॉयल टेस्टिंग, फर्टिलाइजर रिकमेंडेशंस, सॉयल क्लासिफिकेशन, डायग्नोस्टिक सरफेस एंड सब सरफेस, होराइजन, सॉयल सर्वे टाइप्स, ऑब्जेक्टिव यूज, लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, रिमोट सेंसिंग एंड इट्स एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, SIS, GIS, GPS, बेसिक फीचर्स एंड यूजेस इन एग्रीकल्चर, एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियो आइसोटोप्स एंड यूजेस इन एग्रीकल्चर, सॉयल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन एंड देयर रोल्स, ऑर्गेनिक मैटर से रिलेटेड है, डिकम्पोजिशन, CN रेशियो, मिनरलाइजेशन एंड इम्यूबलाइजेशन प्रोसेस, ह्यूमस, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉयल क्वालिटी, सॉयल इरोजन टाइप्स एंड कंट्रोल मेजर्स, फर्टिलाइजर एंड मेन्योर्स क्लासिफिकेशन, NPK फर्टिलाइजर्स, देयर रिएक्शन इन सॉयल, ग्रीन मेन्योरिंग, रिसाइकिलिंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, कंपोस्टिंग, सॉयल एंड वाटर पॉल्यूशन में क्या क्या है सोर्स, ब्रीफ आइडिया अबाउट डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स इन सॉयल एंड देयर मैनेजमेंट। आपको ऑब्जेक्टिव पर्पज से याद करना है, तो डाटा से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपको याद करने हैं। यही था सॉयल साइंस से रिलेटेड कोर्स आपका, इसमें एक भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। बाय बाय।